हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिंदुस्तान नॉलेज में। तो आज किस वीडियो से हम शुरू कर चुके हैं अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। आज से आपको डेली एक अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप एग्जाम की वीडियो मिलेगी। आज आपका पार्ट वन है, इसी प्रकार आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है जिससे आपका अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम आपका अच्छा हो सके। और साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है या फिर आपको अदर कोई भी नॉलेज चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं hindustannowledge.com। वहाँ पर आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण दिवस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको इसमें हम बताएं कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप टिक लगा लेना या फिर उन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना। तो पहला हमारा है 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको जैसे यहाँ पर 9 जनवरी है तो आपका सही ऑप्शन 9 जनवरी होगा, तो आपको OMR में 9 जनवरी भरना है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हम आपको बता देंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आपको अच्छे से टिक कर लेना है और अच्छे से उसको लिखकर याद कर लेना है। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आप उसको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद आता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, थल सेना राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपके दोनों इम्पोर्टेंट है, जिसे आप टिक कर लेंगे। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है। तो 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को मनाई जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी। तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इस समय लड़कियों को बहुत ही आगे पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आपसे इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इसके बाद है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसमें 25 जनवरी, 24 जनवरी, 15 जनवरी और आपका एक इसमें है 12 जनवरी। तो ये आपके 4 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी आपको पता हो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 27 जनवरी आता है। तो 27 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 28 जनवरी को आपको लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। इसके बाद है 28 जनवरी को आपका डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। इसके बाद है शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। इसके बाद है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है डार्विन दिवस। तो डार्विन दिवस आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जयंती आपको 13 फरवरी को मनाई जाती है। इसके बाद है वैलेंटाइंस। तो वैलेंटाइंस डे आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। इसके बाद है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 21 फरवरी को हो जाएगा। इसके बाद 24 फरवरी आता है।
24 फरवरी को आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका एक ही इम्पोर्टेंट था, विश्व कैंसर दिवस। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे आप 4 फरवरी टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। इसके बाद है 4 मार्च, तो 4 मार्च को आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह आपका इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसके बाद है विश्व वन दिवस, तो विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 22 मार्च, तो 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 23 मार्च है, तो 23 मार्च आपका हो जाएगा मौसम, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 24 मार्च, तो 24 मार्च को आपका विश्व तपेदिक क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस या फिर क्षय रोग दिवस के नाम से आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। इसके बाद 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस। और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद है नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, विश्व वन दिवस, इसके बाद है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 मार्च, 15 मार्च और 21 मार्च को आपका वन दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इतने आपको अपने टिक लगवाए हैं इसमें, तो इतने आपको कॉपी में लिख लेने हैं। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप लोग इसे दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जिसमें आपका इम्पोर्टेंट सबसे पहले हो जाएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 14 मई विश्व प्रवासी दिवस, तो ये आपका हो चुका था विश्व प्रवासी दिवस, विश्व दूर संचार दिवस, 17 मई और 21 मई को आतंक विरोधी दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। तो इसमें आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसके बाद है 21 मई को, 31 मई को आपका विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, 21 जून को विश्व दुग्ध दिवस, इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा विश्व रक्तदान दिवस। इसके बाद है 21 जून को विश्व योग दिवस, विश्व संगीत, तो ये आपका 21 जून का इम्पोर्टेंट है विश्व योग दिवस। इसके बाद है 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आपका हो जाता है 23 जून। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट था विश्व रक्तदान दिवस और उसके बाद विश्व योग दिवस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा हो जाएगा आपका? विश्व पर्यावरण दिवस, इसमें हो जाएगा 5 जून। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 29 जून, तो 29 जून को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस,
1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद 12 जुलाई को मलाला दिवस, इसके 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस, इसके बाद 6 अगस्त को है हिरोशिमा दिवस, इसके बाद है 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसमें आपका 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त का राष्ट्रीय खेल दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, और 15 अगस्त तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 सितंबर वाला शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तीन इसमें हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के बाद देखते हैं सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, तो ये आपका 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसके बाद 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये तीनों आपके 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। इसके बाद है 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, इसके बाद 10 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये इसमें आपके इम्पोर्टेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, और 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस अथवा विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को आपको विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद है 1 सितंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 7 सितंबर आता है, 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा 7 सितंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, और इसके बाद 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो 10 दिसंबर का आपका विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को आपका मनाया जाता है किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है 23 दिसंबर 24 दिसंबर, और इसके बाद नेक्स्ट है 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके दिवस से रिलेटेड होते हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे hindustannews.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, और पेपर का पैटर्न भी आप लोग वहीं से देख पाएंगे कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।